सकुपणम नारायण नमस्कृत नरम च नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदिर। आज की इस महाभारत कथा में हम अपने उत्तम आचरण के द्वारा कैसे हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इस संदर्भ में दो राजाओं की कथा का वर्णन है और उसके साथ राजा नहुष के पुत्र याद का भी वर्णन करें। ये दो राजा हैं शिवि और सुहोत्र। कहते हैं कि कुरुवंश में एक सुहोत्र नाम के राजा हुए थे। वो एक बार महर्षियों से सत्संग करके वापस लौट रहे थे और तभी राजा शिव भी उधर ही जा रहे थे, तो मार्ग में दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया, लेकिन दोनों ही गुणों में बराबर अपने को समझ करके एक दूसरे को रास्ता नहीं। उस जमाने में परंपरा थोड़ी सी नहीं थी कि हम अपने बाएं चलें तो दूसरा अपने आप बाएं चला जाएगा, लेकिन दोनों राजा थे और दोनों ही थोड़ा सा राजाओं में एक प्रकार से घमंड भी होता है, अहंकार की प्रवृत्ति है, तो दोनों ने सम्मान तो किया लेकिन जब दोनों बराबर गुणधर्म वाले समझकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। उसी समय संयोग से नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आप लोगों में से जो ज्यादा उदार हो, ज्यादा अच्छा हो, वह है दूसरे को मार्ग दे। नारद जी ने कई व्यवहार की बातें इतनी अच्छी बताई, उस सबको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। उसमें कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के साथ क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। यानी किसी के प्रति हम कोमलता का बर्ताव करते हैं, अगर क्रूर मनुष्य भी है तो भी कोमल बन जाता है, क्योंकि क्रूरता तो वह क्रूर लोगों के साथ ही करता है और कोमल मनुष्यों के साथ वह भी कोमलता का बर्ताव करता है। और दूसरा, अगर कोई नीच है उसे दान देकर अपने बस में करना चाहिए। नीच प्रवृत्ति के मनुष्यों को दान देकर अपने बस में किया जा सकता है। और कोई झूठा है, झूठ ही बोलता रहता, तो उसको सत्य भाषण के द्वारा जीता जा सकता है। और क्रूर लोगों को क्षमा करके जीता जा सकता है। कोई बहुत क्रूर प्रवृत्ति का है तो उसे क्षमा करिए, वो अपने आप आपके अधीन हो जाए। और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को अच्छे व्यवहार के द्वारा हम जीत सकते हैं, उनको अपने बस में कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपने देखा, कोई बहुत ही नीचता का बर्ताव करे तो उसके साथ क्या करेंगे आप? कोमलता का बर्ताव करें, उसे दान देंगे, दान दे करके उसको अपने बस में करेंगे। और कोई बहुत ही झूठे प्रवृत्ति का मनुष्य है तो उसे सत्य भाषण के द्वारा सही बोल करके हम जीत सकते हैं। और कोई क्रूर है तो क्षमा के द्वारा, दुष्ट मनुष्यों के अच्छे व्यवहार के द्वारा हम जीत सकते। तो नारद जी ने कहा कि जो शिव है ये बहुत ही व्यवहार में बहुत ही उत्तम है, इसलिए यह मार्ग पाने के अधिकारी। उनकी इस बात को सुनकर सुहोत्र ने शिव को रास्ता दिया और दोनों लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने राज्य को चले गए। नारद जी ने कहा कि राजा नहुष के पुत्र राजा याद भी बहुत ही धर्मात्मा हो गए हैं। उनके पास एक दिन एक याचक आए, याचक माने मांगने वाले आए, और उन्होंने कहा कि राजन, मांगने वालों से सभी नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते, उनके नजरों में गिर जाता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे उतना कुछ प्रदान करें कि आपके नजरों में मेरा सम्मान बना रहे। उनकी बात से राजा आयत ने कहा कि ऐसी ठीक है, आप सत्य बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग संसार में हैं जो मांगने वालों के प्रति नफरत करते हैं, लेकिन मेरे भीतर ये भावना है कि मुझे जो भी है अगर मैं वो दे सकता हूँ तो दे करके मैं उसे अपनी सम्मान समझता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप निश्चिंत रहे। उस राजा ने कहा कि मैं आपको 1000 गवें प्रदान करता हूँ, इसे आप अपने गुरु को गुरुदक्षिणा के रूप में दे सकते। तो उनको दे करके राजा यात भी संतुष्ट हुए और याचक भी अपना मन चाहे चीज पा करके प्रसन्न हुआ। तो किसी की मन चाहे वस्तु अगर हमारे पास क्षमता है और उसका उपकार कर सके, उसकी जरूरत है, उसमें क्षमता नहीं है, तो ऐसा परोपकार करके भी हम सम्मान इस जगत में यश और मान सम्मान पा सकते। तो अच्छे व्यवहार के लिए हम सब लोगों ने जो कथा सुनी, इसमें तीन राजाओं का, शिव का, सुहोत्र का और याद का वर्णन है। तो महाभारत की कथा हम सबके चरित्र का उन्नयन करे, हम सबके व्यवहार का उन्नयन करे और हम सबके जीवन में खुशहाली लाए, इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि महाभारत कथा सबको शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छाई का प्रचार करें सबको।